पुराना जो बाइक के साथ थी वही स्टाइल किया, लेकिन ये जो काम हुआ ना मेरे से बड़ा खराब हुआ है। ऐसे में और लगा लूंगा, लेकिन चीज जुगाड़ में नहीं बननी। बाइक को ना जुगाड़ पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? जैसे आप देखो यहाँ तक लग तो वो मैंने खैर इनमें से हटा दिया है। टैंकी की जो है वो मैंने फाइनली जो न्यू लुक दे दी है, उसके बाद जो ऊपर नेम है वो मैंने लिखवाई जेरी, और थोड़ी थोड़ी और सब मैंने चेंजिंग की है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप लोग फ्लैश बैक चेक कर लो, उसके बाद जो है बाइक मैं आपको बताता हूँ। जी बॉयज, टैंकी जो हम लोगों ने साफ वगैरह कर ली सारी, और इसके ऊपर भी करेंगे जी वही स्टिकर ओल्ड वाला जो हम लोगों ने पहले किया था। तो अभी शॉप पर अब तो मेरे पास नहीं है, बिलाल भाई के पास ही है, देखते हैं क्या बनता है। पेपर हम लोग जो है वो 100% नहीं लगा रहे, वो हम लोग ये वाला लगा रहे हैं जी। ये वाला बेस्ट रहेगा क्योंकि ये ख़राब भी नहीं होता, दूसरे का उखड़ भी जाता है और निशान जल्दी पड़ जाते हैं। बस तो बाइक मेरे बिल्कुल सामने वॉश करने के लिए हमने खड़ा किए हुए, गंदा इस तरह हुआ पड़ा है कि मिट्टी जो होती है ना वो लगी हुई है, वॉश वाला पानी है ना, तो वैसे हर जगह मतलब गंदगी बनी हुई है। ये चेक कर सकते हो, इसके अंदर चेक कर सकते हो, ये उसके बाद जो मैंने थोड़ी जो बहुत चीज़ें लगाई हैं ऐड की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नंबर वन, कल और पिछले व्लॉग में आप मैंने ये चेंज किया था, रात को ही मैंने इसकी ये चीज़ें ब्लैक कर दी दोनों साइड पे, ये चेंज करने हैं नट्स, उसके बाद ये चीज़ ऐड की है जी एक्स्ट्रा, और उसके बाद ऐड किया है भाई ये तो पहले का था, ये ऐड किया है स्प्रेम और टर्बो, आपको मिस लग रहा होगा तो छोड़ो, टर्बो की बात नहीं है, पड़ा हुआ है पास, पड़ा हुआ है वो लगा लेंगे। दूसरा दो पड़े हुए मेरे पास, एक था वो दे दिए और एक मेरे पास पड़ा, वो मैं आपको बताता हूँ। साइड पे हम लोगों ने ये लगवाया, लेकिन यार बड़े अजीब सी बात है, ये टच और एस के साथ ये नहीं समझ आ रही। अरे जी टैंकी आप लोगों के सामने ठीक है, तो जस करा रही यार बड़ी, पुराना जो बाइक के साथ थी वही स्टाइल किया, लेकिन ये जो काम हुआ ना मेरे साथ बड़ा ख़राब हुआ है। ये पेपर मतलब के ऊपर से जब लगाया ना कट वगैरह किया तो ये समझ नहीं लगी, इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब के निशान आ गए हैं। बात नहीं, ये कल जाएंगे इंशाल्लाह टैक्सले, सजाद भाई से बोलेंगे कि यार अगर उसको ठीक करके दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उखाड़ कर न्यू बना लेंगे। फिर चेक करो पेपर तो लगा ठीक, यार मेरा दिल नहीं मान रहा, देखो यार अजीब काम हुआ इसके साथ, यकीन करो यार बताया गया सारी चीज़ जुगाड़ में आ गई, ये चेक करो यार मैंने, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मेरा बीपी शूट हो गया एकदम, मैं उतार रहा हूँ उसे यार, बहुत हो गया। पैसे में और लगा लूँगा, लेकिन चीज़ जुगाड़ में नहीं बननी चाहिए, चीज़ जुगाड़ में नहीं बननी चाहिए। क्या पैसों का मसला नहीं है, लेकिन दिल सेटिस्फाइड ना हो ना फिर ऐसे ही बंदा करता है। मेरा वैसे ही पहले का मीटर शार्ट हुआ था, ऊपर से और शार्ट हो जाता है जब चीज़ जुगाड़ बनती है ना, मतलब जुगाड़ तो उस बेचारे ने नहीं किया, लेकिन रात थी उसका कसूर नहीं, लेकिन यहाँ से शेड नज़र आ रहा था। ये देखो अब ये सीन तो ही मेरे साथ ही खुद ही हुआ, मतलब पहले से हुआ है, ये चेक करो, उसके बाद यहाँ से चेक करो, ये देखो हम लोगों ने रात को मार्कल किया है, मार्कल यहाँ पर लगाया कि यार नज़र ना है, लेकिन यार मेरा दिल मुतमईन नहीं होता जिस चीज़ पे ना, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। ये बारा जी सारी मैंने पेपर वाला उखाड़ दिया है, क्यों बता रहा है कि मेरे भाई मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि आपके भाई को ना जुगाड़ पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? जैसे आप देखो यहाँ तक लगा पेपर, उसके बाद जब आपने देखा बस, जब आपको पता है कि भाई हाफ टैंक ही लगनी है, तो ये भी आपके बने हुए हैं, जब बंदा कट करे
और जब आप सुबह उठो और यहाँ से आपको रेड लाइन आपको यहाँ से सारी नज़र आए, प्रॉपर क्या बीतेगी यार। बंदे को बोला कि हाफ रैप कर का मतलब होता है कि ये सारी रैप हो गई आज साइड, ठीक है, जिसमें से रेड कलर हाइब हो गया बस ये नज़र आना। तो जब आप उठो यहाँ पे आपको लाइन नज़र आए और यहाँ पर लाइन नज़र आए दूसरी साइड, इधर इधर, ये मतलब सारा फ़ायदा तो कुछ नहीं है फिर यहाँ। खैर एनी वेज कल जा रहे हैं टैक्स ले, तो टैक्स ले हम लोग करेंगे इसको, इसी तरह न्यू करा लेंगे, मसले वाली बात नहीं है। तो अभी इसको करते हैं ये वॉश और थोड़ा सा रहता है वो मैं आपको क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ। सीरियसली ऐसे लोग तो ज़्यादा प्यारी लग रही है यार, क्या किया जाए बताओ यार। वॉश हो चुका है और चेक करो जी मैं कैसे वॉश करता हूँ चीज़ को, चेक करो सब, सीट वगैरह उतारी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, पास है, और हम तो ऐसे साफ करते हैं भाई, इश्क है तो अपने को इग्नोर करके हम इसको ऐसे ही वॉश करते हैं। सीट उतारी है और इसके यहाँ प्रोटेक्शन पेपर लगे हुए हैं, इसको इग्नोर करना है। अभी टापो उतारना है, टापो उतार जिसे साफ़ करते हैं इसको भी। ये जी पॉलिश क्लिंग वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं, नीचे पड़ी हुई है, तो इसको एक दफ़ा लगा लिए लेकिन दूसरी दफ़ा फिर लग कर रहा हूँ ताकि अभी भी कवर उतारा है ना ऊपर से, तो नीचे निशान थे, तो ये चीज़ मतलब इस तरह यूज़ कर लूँ मैं। ये चीज़ नहीं यूज़ करता क्योंकि देखो फ़ायदा नहीं है। पॉलिश का पूछते हैं इसका फ़ायदा क्या है, तो मेरे भाई इसका फ़ायदा यही है कि ये मैल उतारती है, ठीक है। इससे मुराद यही है कि जो आप लोग मतलब बाइक चलाते हो, वॉश करते हो, कुछ भी ऊपर लगता है तो मिट्टी ऊपर जम जाती है इसके ऊपर, तो ये उस चीज़ को साफ़ करती है। मेरे पास ये तीन थी, एक चैन के साथ और एक यहाँ पर लगा ली और तीसरी ये है, तो ये मैंने तैयार रखी हुई थी, मैंने बोला सीट पर लगाऊंगा लेकिन पूरी नहीं आएगी, लेकिन पता नहीं कैसे है पूरी आ गई, अच्छी खासी फिक्स है, मतलब फिलने वाली नहीं है, तो ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी टायरों की पॉलिश रहती है वो कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपको टायरों का बताता हूँ रिजल्ट कि भाई टायरों के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ। टायरों के लिए मैं कभी कभी चीज़ यूज़ करता हूँ, कभी जेल यूज़ करता हूँ, सलेंसर के लिए भी मैं यही यूज़ करता हूँ, तो इसको लगा कर मैं आपको बताता हूँ। फाइनली जी बाइक वॉश हो चुका है, क्लीन हो चुका है, पॉलिशें लग चुकी हैं, पॉलिशों का मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी सूरज की रोशनी की वजह से आपको बाइक की शाइन जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही होगी। टायर आप लोगों को मैं बता दूँ जूम करके, तो ये चेक कर लो टायर, सिलेंसर को इग्नोर करना है, ये मैंने चेंज करना है, ठीक है। ये जगह चेक कर लो भाई, ये टैंकी चेक कर लो भाई, ये चेक करो जी, बैग चेक करो जी, ये जगह चेक किया करो बस। आय हाय हाय, ये चीज़ जब बंदा देखता है ना तो बंदे को सुकून बढ़ जाता है कि भाई बाकी कोई चीज़ साफ रखी हुई हम लोगों ने। ये रहा जी इसका फ्रंट, माशाल्लाह से मेरी बेबी बहुत प्यारी लग रही है आज, आई लव यू मेरी जान। तो खैर टैंकी को इग्नोर करना है और सामने कुछ नज़र आ रहा होगा आपको तो कमेंट्स बता देना लेजेंड्स अच्छा जी उसके बाद टैंकी जो हमने दोबारा बनानी है इंशाल्लाह, तो खैर परेशान नहीं होना जरी, तेरे लिए इंशाल्लाह कल का काम डन किया हुआ है, कल तू रेडी हो जाएगी बेगम हो जी। बॉयज़ अभी जा रहे हैं जी नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं एक काम भी चला गया था फिर वापस आया, तो अभी जा रहे हैं जी नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के फिर आपको मिलते हैं। गर्मी बड़ी होगी, प्यास भूख बड़ी लगी है, सुना वे अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू, तेरी वीडियो बनावा तेरा वायरल करा, नमाज़ा चलने आ जा, नमाज वगैरह भी पढ़ा है, तो बाइक भी जो आज हुआ है, खैर कोई मसला नहीं होता रहता है ये सीन, तो मेरा माइंड थोड़ा घूम गया था मेरा, मैंने मुझे देखो मैं ऐसा बंदा मैं जुगाड़ में चीज़ चलाते ही नहीं हूँ या जुगाड़ में चीज़ बनाते ही नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मसला मसायल भी हो तो फिर मुझे आता है गुस्सा, कोई मसला नहीं ये काम लगा रहता है। और कल हम लोगों ने जाना जी टैक्स ले, टैक्स ले जो कराना है हम लोगों ने जी चैन कवर पेंट करवाना है, तो अलहदा से कुछ चीज़ बनाएंगे, और सिद्धू मूसे वाला जो मैंने स्टिकर पीछे आपको बताया था कि ये मैंने साइड पे कर दी, तो वो मैंने दिल कर टापे पर लगाऊं, आप लोगों ने मुझे बताने कि करूं या ना करूं वो तो बात कहानी। और तीसरे नंबर पे जी हैंडल चेंज करने का दिल कर रहा है, वो भी देखते हैं, काफ़ी काम है, मैं आप लोगों से पूछ के करूँगा, खुद नहीं करता, आस्ता आस्ता एक एक चीज़ पूछ के फिर करूँगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।